स्वागत है दोस्तों स्टे होम क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 में वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो ये मनोवर के गणित में गणित के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बेसिक नॉलेज हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है वास्तविक संख्या में, क्या कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं। जैसे कि एक आती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। अगर इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म में दो शब्दों में कहें कि वे संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक। एक और जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां क्यू बराबर जीरो ना हो, अगर क्यू बराबर जीरो नहीं होता है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब एक और होती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो पी, इसको क्या होता है, जो पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके। परिमेय संख्या में क्या होता है, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, इस अंश बटा हर में, इसको ये भी कह सकते हैं हम, क्या, अंश बटा हर में लिखी जा सके, ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, जो पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, ठीक है, ना लिखी जा सके, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसमें जैसे कि क्या होगा, √5, √7 और √11, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। और परिमेय संख्या में सारी संख्या आ जाती है, जैसे कि 1 है 2, 1/4, ये सारी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसके अपॉन हम क्या मान सकते हैं, 1, इसके भी अपॉन क्या मान सकते हैं, 1। और इसमें परिमेय संख्या में की बात करें जैसे कि √4, ये भी परिमेय संख्या है, वो क्यों है, क्योंकि ये 4 का वर्गमूल अगर हम करते हैं तो 2 आ जाता है, और बटे के नीचे अगर हम 1 मान लेंगे तो एक ये परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिया। अब आती है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या बिल्कुल सरल है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर दो शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को क्या कहेंगे, इन दोनों के समूह को, किसको, समूह को, ग्रुप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के समूह यानी कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या बन जाता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि मैंने परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दिया था, 1, 2, 1/4, ये सारे दिए थे, और अपरिमेय संख्या के लिए दिए, तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या बन जाता है। जैसे कि 1, 2, 3 और ये क्या है, √5 है, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो और भी है हमारी, जैसे कि प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
तो प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सिंपल है, एक ही लाइन में क्या, जो संख्या वे संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और डॉट डॉट कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, वे संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वे संख्या जो एक से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और आती है पूर्ण संख्या, क्या आती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। और होल नंबर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा कि वे संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है, कहां से, शून्य से प्रारंभ होती है और ये कहां तक जाती है, डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां, अनंत तक जाती है। बस थोड़ा सा अंतर है, प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है। ठीक है, अब आता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, नंबर। ठीक है, तो इसकी बात करें तो देखो आपने देखा होगा कि ये यहां शून्य, एक, दो और ये तीन और ये चार, इस साइड चलेंगे तो -1, -2 और ये -3। ये माइनस की तरफ होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये प्लस की तरफ होता है, इसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और ये शून्य होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो बेसिक नॉलेज के बारे में हमने जान लिया है, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, साफ कर दे रहा हूँ। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है, 1.1। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की विधि के द्वारा है, तो हम देखते हैं पहले यूक्लिड विभाजन और जान लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे हम रखेंगे। ठीक है, तो क्या है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला है उसको और सीख ले रहे हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर BQ+R, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, तो इसको मैं जान लेता हूं। तो ए जो है भाज्य होता है और बी होता है भाजक और ये क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। ठीक है, आप लोगों ने 9th में फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, क्या ये पढ़ा होगा आपने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।